हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 10 बायो मॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है जैव अणु, को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन है इनके स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटीन है इनके स्ट्रक्चर को हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। 4 स्टेजेस पर इनको हमें स्टडी करना है। तो कौन कौन से वो स्टेजेस हैं? सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है टर्सरी स्ट्रक्चर और लास्ट है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब ये क्या होते हैं? तो सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इनमें जो प्रोटीन है वो क्या है, हमने पहले ही ये स्टडी किया हुआ है। जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स की चेन होती है और उनमें अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड रहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनकी जो चेन है, मींस पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो एक या एक से ज्यादा साथ साथ में रन करती हैं और साथ ही साथ वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उनमें उन चेन्स में जो अल्फा अमीनो एसिड की चेन थी उनमें उन अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर मैं थ्री लेटर ले रहा हूं, आर ए टी, ये अल्फाबेट्स हैं। तो इनमें अगर मैं आर ए टी से एक वर्ड बनाऊं तो क्या बनेगा? रेड। तो यहां इसका मीन हो जाता है चूहा। अब इसी को मैं क्या करूं, चेंज कर दूं, यहां पर जैसे ए आर टी, ए आर टी मींस आर्ट, आर्ट मींस क्या चूहा होता है? नहीं। तो जब चूहा नहीं होता इसका मतलब ये वर्ड कैसा हो गया? चेंज हो गया। इसी तरह से अगर हम इसे टी ए आर इस तरह से लिखें तो ये क्या बन जाएगा? टार। तो इसका मीन चूहा होता है? नहीं। आर्ट होता है? नहीं। ये अपने आप में एक अलग वर्ड, तीनों ही कैसे हैं, ये अलग अलग वर्ड हैं जिनका सेम मीनिंग नहीं होता। ठीक इसी तरह से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन के उनमें अल्फा अमीनो एसिड का भी इसी तरह से एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। अगर वो अरेंजमेंट चेंज होता है तो इन्हीं वर्ड्स की तरह उनका इनमें वर्ड चेंज हो रहे हैं वो प्रोटीन ही चेंज हो जाता है। बात करें हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं? जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो कैसी होती हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर में बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं इस तरह से, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन वो क्या होती है? कुछ घुमावदार हो जाती है, कुंडली का हो जाती है, मींस कॉइल बना लेती है, जैसा स्प्रिंग होता है। किस टाइप से? इस तरह से, इस तरह से कॉइल बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं? उसका रीजन क्या है? तो यहां पर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। अब ये क्या होते हैं? सबसे पहला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनमें अल्फा अमीनो एसिड, तो जो पहले अल्फा अमीनो एसिड है वो क्या करते हैं? उनमें हमें पता है क्या क्या ग्रुप होता है। एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, मींस
कार्बोनिल ग्रुप है, साथ ही साथ उनमें एक ग्रुप है NH2, एमीन ग्रुप है। तो ये दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, इनमें आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके थ्रू इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और जब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है तो ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिसके थ्रू ये जो स्ट्रक्चर था, लीनियर स्ट्रक्चर था, वो कैसा हो जाता है, कुछ क्वाइल की तरह हो जाता है, इस तरह से क्वाइल की शेप ले लेता है। बात करें अगर हम बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर की, तो इनमें क्या होता है, जो ये क्वाइल टाइप है तो होती तो इसमें भी है, लेकिन होता क्या है, यहां पर जिस तरह से साड़ी में प्लीट्स बनाई जाती हैं, मींस साड़ी हुई या फिर स्कर्ट हुई, उनमें प्लीट्स होती हैं, इस तरह से फोल्डेड रहते हैं ये इस तरह से, तो इनमें भी क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप और जो अमीन ग्रुप है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होते हैं। तो वो मान लीजिए यहां पर कार्बोनिल ग्रुप है और यहां पर क्या है, NH2 ग्रुप है, तो इनके बीच में क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है जो इस चैन को अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या होते हैं, ये प्लीट्स बन जाते हैं। और ये एक दो प्लीट्स नहीं होती, बहुत सारी प्लीट्स बनती हैं और पैरेलल चलती हैं, एक के ये एक है, इसके साथ और भी इस तरह से बहुत सारी प्लीट्स एक साथ रन करती हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से लिंकेज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं, तो सबसे पहला जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, साथ ही साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो गए और वांडरवाल फोर्सेस हो गए और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए, वो भी यहां पर वर्क करते हैं। सेम अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ही तरह टर्शियरी स्ट्रक्चर, जैसे जैसे हम इन स्ट्रक्चर्स में आगे बढ़ेंगे तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। जैसे प्राइमरी में यहां पर हमने देखा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट में ये थोड़े से क्वाइल रूप में आ गए, नेक्स्ट टर्शियरी में क्या होते हैं, अब ये अभी एक ही क्वाइल बन रही है, अब क्या होगा, ये इस तरह से एक तरफ तो क्वाइल चल ही रही है लेकिन फर्दर इनका इस तरह से क्वाइल बना ले, तब ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं, मींस जो पॉलीपेप्टाइड है फर्दर उनमें क्या हो जाए, दोबारा से इस तरह से क्वाइल बन जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनमें भी बही बॉन्ड और बही फोर्सेस वर्क करते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हुए और यहां पर जो वांडरवाल फोर्सेस हुए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुए, वही इनको क्या करते हैं, मजबूती देते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। बात करें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, तो इनमें जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, यहां तक अभी हमने देखा एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन रन कर रही है, लेकिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, एक क्वाइल, ये तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन तो चल ही रही है इस तरह से, लेकिन साथ ही साथ एक से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी आ जाए, एक और चेन हो जाए इस तरह से, तो ये क्या होंगी, बहुत सारी क्वाइल्स, बहुत सारी चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाती हैं, और किस तरह का, ग्लोव की तरह, मींस ये एक गोलिकाकार स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इनमें जितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है इनको हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स। जैसे जैसे चेन्स बढ़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स या उप इकाई। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीनों का विकृतीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स।
तो सभी जीवधारियों में जो बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें से प्रोटीन जो पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल प्रोटीन्स, मींस जो एक स्पेशल वर्क कर रहे होते हैं ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल प्रोटीन्स। और इनका एक स्पेशल वर्क होता है, स्पेशल फंक्शन होता है। तो जब हम प्रोटीन के टेम्परेचर में या फिर उनके पीएच में, मींस उनकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करते हैं, तो उनमें हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं, क्वाइल की तरह हैं, सेकेंडरी में प्लीटिट्स के फॉर्म में हैं, तो उनमें जो एल्फ जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो क्या होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या फिर उनका पीएच चेंज करने पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, जिसके थ्रू क्या होती हैं, जो इस तरह की कुंडली थी वो क्या होंगी, ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये कैसे हो जाएंगे, एक ग्लोबुलर से किस में चेंज हो जाएंगे, स्ट्रेट में चेंज हो जाएंगे, मींस फाइब्रस प्रोटीन में चेंज हो जाते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि कोई भी प्रोटीन है, और कौन सा वाला, नेचुरल प्रोटीन, उसमें अगर हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करें तो उनमें क्या होता है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर्स प्रोटीन है वो किस में चेंज हो जाती हैं, फाइब्रस प्रोटीन में चेंज होने लगती हैं। साथ ही साथ जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर हैं वो, ये सेकेंडरी और टर्सरी टाइप के होते हैं, तो इनमें जो कुंडली थी किस कारण से थी, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड वो कैसे हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो जब वही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा, ये सारी की सारी स्ट्रेट होने लगेंगी, सीधी होने लगेंगी, और ये किस तरह की बन जाएंगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरह आ जाएंगी। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं जो भी प्रोटीन है उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करने पर जो प्रोटीन है उसकी अवस्था स्टेट चेंज होती है, वो ग्लोबुलर से किसमें आ गई, फाइब्रस में आ गई। तो यहां पर ये जो ग्लोबुलर है वो कैसी होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, लेकिन जो फाइब्रस है वो कैसी होती है, इनसॉल्युबल होती है। तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे अंडे की जो जर्दी होती है येलो कलर की, जब हम अंडे को बॉइल करते हैं, उसको उबालते हैं, तो उसके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। वो एल्बुमिन प्रोटीन कैसी होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, और जब हम उसे हीट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, वो जो एल्बुमिन प्रोटीन थी उसमें जो स्ट्रक्चर्स होंगे सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर्स वो कैसे होंगे, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे किसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में। और वो कैसी हो जाती है, एक बीच में कैसा होगा, वो येलो कलर का रहता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, और उसके चारों ओर एक वाइट कलर की लेयर बन जाती है, वो भी कैसा होता है, सॉलिड होता है। और ये कैसे होती हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। तो ये एल्बुमिन जो कि वाटर में सॉल्युबल था अब कैसा हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, और वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। तो यहां पर वो कैसा हो गया, उसका कॉग्निशन हो गया है, मींस वो स्कंदित हो गया। इसी तरह से बात करें हम दही का जमना, जो कर्ड है वो जब जमता है तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड में चेंज कर रहे हैं उसको। तब वहां पर क्या चेंज हो रहा है, जो मिल्क है, दूध है, उसका पीएच लेवल कुछ और होता है, और जब वो दही में चेंज हो रहा है, मींस लैक्टिक एसिड में चेंज हो रहा है, तो पीएच उसका कुछ और हो रहा है। तो यहां पर पीएच चेंज हो रहा है, तब भी क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हो जाएंगे,
चेंज हो जाएंगे। प्रोटीन कैसी हो जाएगी, चेंज हो रही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में आ रही है, और वो कैसी हो जाएगी, वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा, जो कि पहले कैसा था, सॉल्युबल था, अब वो कैसा हो गया है, फाइब्रस प्रोटीन हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।